हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास दो क्लैंप मीटर हैं। पहला है ये हमारा मैपो का और ये रहा एसटीसी का। ये हमारा एक बेसिक क्लैंप मीटर है और ये हमारा एडवांस क्लैंप मीटर है। तो हम आज हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस मैपो वाले की। ये हम अभी के लिए हटा देते हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये क्लैंप मीटर मल्टीमीटर से अलग कैसे होता है। मल्टीमीटर में सिर्फ एक चीज़ होती है जो इसमें नहीं है, वो ये है, ये क्लैंप हमारा। इसके अलावा सारे फंक्शन सेम होते हैं। तो हम जान लेते हैं ये क्या करते हैं। ये तो आप समझ ही गए, ये क्लैंप है हमारा, किस काम आता है, एम्पियर लेने के। और ये अब हमारा डायलर या रोटरी स्विच। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये एरो बना है और ये इस टाइम ऑफ पे है। तो इसका मतलब हमारा क्लैंप मीटर अभी ऑफ है, नीचे हमारी डिस्प्ले में सब शो करता है। इसके बाद ये गया हमारा एनसीवी पे, जो कि है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज पे। और जब भी आप एनसीवी पे लगाएंगे तो ये लाइट हमारी ब्लिंक करने लगेगी। इसके बाद हमारा ये एम्पियर आता है, जो कि 400 एम्पियर की रेंज में है। लेकिन क्योंकि हमारा कोई भी डोमेस्टिक अप्लाइंकेंस 400 एम्पियर में नहीं आता, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 से 20 की रेंज दी भाई, हमारे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सभी इसी में चेक होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वोल्टेज का सिंबल है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो अल्टरनेट का एक निशान आ रहा है, यानी ये हमारे अल्टरनेट करंट का वोल्टेज मीटर है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे एक हल्का सा एस का निशान आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा डीसी पे सेट हो गया, यानी अब जो हम वोल्टेज देखेंगे वो डीसी आएगा। इसके बाद ये आया हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया हमारा डायोड और कंटिन्यूटी का। अब कई बार लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर ये डायोड पे लगा है या कंटिन्यूटी पे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये डायोड का सिंबल यहाँ देखिए बन के आ रहा है। और अगर अब हमें इसे कंटिन्यूटी पे चेंज करना है तो बस हमें कुछ नहीं, ये फंक्शन वाली की को प्रेस करना है। और अब देखिए यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी का सिंबल बन के आ गया। अब ये होल्ड की बटन किस काम आती है, इस पर भी जान लेते हैं। तो होल्ड की बटन अगर हमारी कोई भी वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को लॉक करने के लिए होती है, ताकि हम देख सकें या हमें किसी को अगर दिखाना है कि सर देखिए इतनी वैल्यू आ रही, तो हम ये बटन दबा के क्लैंप मीटर वहाँ से हटा के आराम से ले जाकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैक्स की बटन दे रखी है। ये होल्ड से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई वैल्यू नाप रहे होते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन होती है, कम ज़्यादा, तो अगर हम मैक्स की बटन दाब दें तो जो भी मैक्सिमम रेंज आई होगी उस टाइम पीरियड में नापते वक्त, तो वो हमारा उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये रहा हमारा मैको का एक बेसिक क्लैंप मीटर। अब हम बात करते हैं हमारे एचटीसी वाले की। तो ये आ गया हमारा एचटीसी का क्लैंप मीटर। और अब शुरुआती अगर तौर पर देखें तो ये बिल्कुल सेम है। ये देखिए, ये नॉर्मल सा हमारा क्लैंप रहा। इसके बाद इसमें भी सेम वही डायलर या रोटरी स्विच है। इसकी भी पोजीशन इस टाइम ऑफ है, इसलिए हमारा डिस्प्ले ऑफ चल रहा है। एनसीवी बता चुका हूँ आपको, अल्टरनेट करंट का एम्पियर नापने के लिए। अब लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें ये नहीं लिखा है कि ये 20 एम्पियर नापेगा या 2 एम्पियर नापेगा, ये ऑटो रेंज वाला है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें ये ऑटो लिख के आ रहा है, यानी ये अपनी जो रीडिंग है उसको ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा कि 40 एम्पियर हम नाप रहे हैं कि 20 एम्पियर नाप रहे हैं कि 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज पे। तो ये देखिए अल्टरनेट करंट का सिंबल है और ये हमारा वोल्टेज इस पे चेक होगा, ये डीसी करंट का। और इसके बाद ये जो पॉइंट है, यही सबसे हमारा रोचक चीज़ है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें एक हमें रेजिस्टेंस का सिंबल बन के आ रहा, फिर एक डायोड का, एक कंटिन्यूटी का और एक ये हमारे कैपेसिटेंस का। तो ये कैसे यूज़ होगा इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को देखते हैं। डिस्प्ले में अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओम्स का सिंबल ये कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यानी हमारा क्लैंप मीटर अभी ओम्स पे सेट है। अब हम बटन प्रेस करते हैं सेलेक्ट वाली। आप ये देखिए यहाँ से चेंज होकर डायोड पे आ गया, देखिए डायोड का सिंबल आ रहा है। नेक्स्ट चेंज करते हैं इसको, अब देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी पे आ गया, ये देखिए सिंबल है यहाँ पे। और अब जैसे ही हमने चेंज किया, ये हमारा माइक्रो फैरेड पे आ गया। अब यही हमारा उस क्लैंप मीटर और इस क्लैंप में सबसे बड़ा अंतर है कि इसे हम कैपेसिटर भी नाप सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ये देखिए एचजेड हर्ट्स का हमारा सिंबल आ गया, इससे हम फ्रीक्वेंसी नापेंगे। बहुत सी वॉशिंग मशीन को लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी से भी चेक करने का एक तरीका होता है प्रेशर सेंसर का, तो ये उसमें काम आएगा। ये हमारा हर्ट्स का है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं,
तो ये हमारा आता है टेम्परेचर नापने का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगर हमें इसमें चेंज करना है तो फिर वही सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करेंगे। अब ये देखिए, ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ गई, फिर से प्रेस किया, सेल्सियस में वैल्यू आ गई। ये क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं ये रेंज वाली बटन क्यों दे रखी है। इसको समझने के लिए हम फिर से क्लाइमीटर को वोल्टेज पे लगाते हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए अभी जो वैल्यू आ रही है, दशमलव के 3 अंक बाद की आ रही है। जैसे हम ये रेंज वाली दाबेंगे तब आप देखोगे अब जो वैल्यू आ रही दशमलव के 2 अंक बाद की आ रही, फिर से हमने दाबा अब ये दशमलव के 1 अंक बाद तक की आ रही। तो आप समझ गए होंगे रेंज की बटन का क्या यूज़ है। इसके बाद आता है होल्ड की बटन। अब होल्ड की बटन तो बिल्कुल क्लाइमेटर में मैको वाले जैसे ही है कि अगर हमने होल्ड की बटन दाब दी तो जो वैल्यू इसमें है वो उसको लॉक कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हर्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमारा जब हम हर्ट्स सेलेक्ट कर रहे थे तो अगर हमें उसे नापना है तो उसके साथ साथ हम उसे परसेंटेज में भी नाप सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज का सिंबल आ गया है, लेकिन फिलहाल हम इस पे काम नहीं कर रहे। तो इसमें और भी कुछ फंक्शन है एक्स्ट्रा, जैसे कि हम बात करते हैं ये लाइट की। जैसे देखिएगा अभी मैं होल्ड वाली बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उसमें अब आप ये देख सकते हैं कि लाइट जल गई है। कई बार होता है क्या कि इंजीनियर्स हमारे रात में काम कर रहे होते हैं, साइट पे लाइट है नहीं, तो एम्पियर या वोल्टेज चेक करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम अगर इस पे लगा देंगे तो हमें हमारी वैल्यू आराम से नज़र आ जाएगी। अब एक हिडन फीचर और इसमें दिया है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक ये छोटा सा बल्ब दिख रहा ये भी यहाँ पे दिया है। इसको चालू करने का सिस्टम भी इस सेलेक्ट बटन से है, हमने इसको प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये हमारी लाइट ऑन हो गई। इसी को हमने प्रेस किया और ये ऑफ हो गई। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या रहा, दो क्लाइमीटर हमारे सामने हैं, एक ही मैको का और एक ही एसटीसी का, कौन बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ये है क्योंकि इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों ही चीज़ें आराम से चेक हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर शुरुआत किसी को करनी है तो हो सकता है कई लोग इसे परचेज करें क्योंकि इसके इसके रेंज में 600-700 का अंतर आ जाता है, पर मेरी सलाह आपसे यही होगी कि आप ये वाला क्लाइमीटर यूज़ करें।